हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लच्छे शूटर्स। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से दो प्यारी बातें पढ़ लेते हैं। जैसे हमने लिखा हुआ है कि मैथ के चक्कर में रीजनिंग छूट जाती है, यानी अगर मैथ के चक्कर में पढ़े तो रीजनिंग छूट जाती है, जीके बनाओ तो जीएस टूट जाती है, छोटी सी गलती से एग्ज़ाम ना निकले तो इन पड़ोसियों के ताने से दिल टूट जाता है। चलिए आज हम लोग क्लास सेवेंथ के एनसीईआरटी बुक से चैप्टर वन, जिसका नाम है पर्यावरण, को आज रीड करेंगे और समझाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वन मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सिस्टम का गड़बड़ी है, अभी लोग हम लोग आते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और रीड करते हैं और समझाते हैं। देखिए हमारा पर्यावरण है, यूनिट वन है पर्यावरण। इस चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्योंकि चैप्टर वन यही है। स्टार्ट करते हैं पर्यावरण। देखिए, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। यानी रवि एक लंबी छुट्टी के बाद, मीन्स कि उसका स्कूल का छुट्टी हो जाता है और फिर वो उसका स्कूल खुलता है, तो वो देखता है कि जहाँ पे वो खेलता था वहाँ पे खुदाई हो गई है। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था, यानी जो वो मैदान की बात कर रहा, वहाँ पे सिर्फ एक ही मात्र वही मैदान था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक प्लैंटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। यानी स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग एक रवि के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि स्कूल जाते समय देखता है कि वो जहाँ पे खेलता था वहाँ पे क्या हो गया है, वहाँ की खुदाई हो गई है। और उसके शिक्षक ने बताया कि देखिए कैसे डेली डेली पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। यानी सिंपल बात स्टूडेंट अगर कहे तो, रवि अपने कक्षा में आकर पूछता है कि आखिर पर्यावरण है क्या, तो शिक्षक ने बताया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही पर्यावरण है। यानी स्टूडेंट, एक्सिस नोट करने के लिए आप लोग नोट कर लें कि पर्यावरण किसे कहते हैं। रवि कहने लगा कि इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहां तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। यानी स्टूडेंट, यहाँ पे रवि कहता है कि यानी शिक्षक के बताने के मुताबिक ये हुआ कि जो भी वो देख रहा है सब पर्यावरण है। तो उसने भी पूछा कि क्या जो हम लोग देख रहे हैं ये पर्यावरण है? हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन सॉरी स्टूडेंट, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे कि पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। यानी देखिए स्टूडेंट, अभी एक लड़का है जिसका, जो कि अपने इकबाल नाम है, शिक्षक से पूछता है कि हमारा ऐसा क्यों हो रहा है कि वातावरण बदलते जा रहा है, तो ये दिन प्रतिदिन मतलब जो लोगों की इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमें पर्यावरण को बदलना पड़ता है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, पर्यावरण के घटक दिए हैं, जैसे कि मानव हो गया, प्रकृति हो गई, मानव निर्मित हो गया। यानी एक चीज़ आपको हम बताते हैं कि यहाँ तक जो मानव है, खुद मानव भी एक पर्यावरण का घटक ही है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखाने का निर्माण होता है।
मानव कार मील कारखाने बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्रकृति पर्यावरण में परिवर्तन करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चित्र 1.1 पर्यावरण के घटक हैं, इसलिए हम प्रकृति पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि हम प्रकृति वातावरण में परिवर्तन भी करते हैं और जब ज़रूरत पूर्ण हो जाती है तो उसे नष्ट भी कर देते हैं। जीवीय और अजीवीय सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु, अजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे कि अस्थल। यानी मीन्स स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात किए हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, पर्यावरण का परिभाषा दिया गया है कि जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्रकृति और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं। मीन्स कि यहाँ पे हम लोग को स्टूडेंट बताया जा रहा है कि जो हमारा पर्यावरण है वो मिश्रित है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले चाहे जीवीय है मतलब लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव के परस्पर क्रियाएं, उसकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। यहाँ पे देखिए, जबकि मानव पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं, यानी जो मानव बनाता है उसको हम लोग क्या सिंपल बोल सकते हैं कि वो मानव निर्मित वस्तुएं हैं। शब्द उत्पत्ति में आते हैं पर्यावरण यानी एनवायरमेंट। शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरनेनर या फिर एनवायरोनेन से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। यानी सिंपल बात यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, इन्वायरमेंट होता है पर्यावरण का इंग्लिश या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग फ्रेंच भाषा में आता है, लेकिन अगर ये उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेट से हुआ है जिसका अर्थ हमारा होता है पड़ोसी। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इसके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट लिखने के लिए है कि पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहा जाता है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यहाँ पे देखिए चित्र 1.2 में दिया है कि पर्यावरण के क्षेत्र, जैसे यहाँ पे वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। देखिए हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके थे इन सब के बारे में, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ाऊँगा। इधर आते हैं, आओ कुछ करके सीखो में। अपने आसपास के स्थलों को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। आओ कुछ करके सीखें में फिर से दिया है कि अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहां से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोग की सूची बनाएं। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है, कैसे? यानी मैं यहाँ पे कह रहा है कि क्या आपने कभी पानी को बर्बाद करते हुए किसी को देखा है। फिर तीसरा में है कि आओ कुछ करके सीखें कि स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दें कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज धूप है या फिर कोहरा इत्यादि है। ये तो देखिए स्टूडेंट आपको खुद करना पड़ेगा। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए फिर से एक पॉइंट बन रहा है कि जो जल के क्षेत्र होते हैं मीन्स की जो जल का एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जलमंडल कहते हैं। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा कि जलमंडल किसे कहते हैं तो ये बता सकते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यानी स्टूडेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि जल जो होता है विभिन्न सोर्स से मिलकर बना होता है, जैसे हो सकता है नदी से जल आता हो, झील से जल आता हो, समुद्र से जल आता है इत्यादि जैसे, मतलब यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। यस देखिए स्टूडेंट, जो जल होता है सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। स्टूडेंट फिर से नोट करिए कि पृथ्वी के चारों तरफ
या फिर चारों ओर फैली वायु क्यों, यानी कैसी वायु होनी चाहिए, कैसा हवा होना चाहिए, तो फैली हुई वायु की पतली परत को, यानी पतली कहने का मतलब है थिन लेयर, पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वायुमंडल कहते हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है या सूर्य को झुलसाने वाले गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इससे कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं वाष्प, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु को परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या फिर सजीव संसार का निर्माण करते हैं। स्टूडेंट फिर से एक पॉइंट मिलता है कि पादप एवं, पादप का मतलब समझ रहे हैं स्टूडेंट? अगर नहीं समझ रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा, मैं इस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। जीव जंतु यानी कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर किस चीज का निर्माण करते हैं स्टूडेंट? तो जैव मंडल का निर्माण करते हैं। जैव मंडल है क्या, तो ये भी मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। या फिर इसमें और दिया हुआ है कि सजीव संसार का निर्माण करते हैं। अब देखिए सजीव संसार होता क्या है, तो जीवित प्राणियों को हम लोग सजीव बोलते हैं और निर्जीव प्राणियों को नॉन लिविंग इंग्लिश में बोल सकते हैं। संसार का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब देखिए एक हम लोग से क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट कि पारितंत्र क्या है। देखिए स्टूडेंट पारितंत्र क्या है कि रवि की कक्षा के एक के एनसीसी कैंप में जेसीसी ने आश्चर्य से कहा। देखिए एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर, ये आर्मी की तरह से कराया जाता है जिसका मेन ध्येय होता है एकता एवं अनुशासन। चलिए आगे पढ़ते हैं। कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा कि हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत की नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। देखो स्टूडेंट यहाँ पे पारितंत्र, बगल में ब्रैकेट में देखो, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। आइए आओ कुछ करके सीखे में है कि कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरण स्थान का चित्र या फिर फोटो लगाइए लाइए। देखिए चित्र 1.3 में दिया है कि एक ताल का पारितंत्र, देख लीजिए स्टूडेंट अच्छी तरह से, और क्लास 7th के एनसीईआरटी बुक में ये चित्र दिया भी है। हीरा ने कहा कि ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, शिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी को एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। यानी स्टूडेंट जो रवि है वो आश्चर्य में पड़ जाता है कि क्या हर जगह रहने वाले लोग या फिर हर जगह के जीव जंतु एक जैसे संबंध में हैं? तो उनके टीचर कहते हैं कि हाँ है, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील आदि, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हमें लोगों से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या आपको लगता है कि जहाँ पे रवि एवं उसके मित्र लोग खेल खेलते थे वो भी एक पारितंत्र था? अब तो ये स्टूडेंट आपसे सवाल है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या है, पारितंत्र है जहाँ पे वो लोग खेलते थे या फिर नहीं है। स्टूडेंट क्या आप जानते हैं, ब्रैकेट में देखो जहाँ पे नीला कलर है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखना स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 5 जून को। देखो शब्दावली में दिया है कि वस्तु विनिमय पद्धति क्या है, तो यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। मीन्स स्टूडेंट इसमें पैसा रुपए का नहीं उपयोग होता है, बल्कि एक सामान के बदले दूसरा सामान दिया जाता है। मानवीय अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक
क्रिया करते हैं और क्रिया करते हैं और उसमें अपने आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्रकृति एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता में रहना एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हम लोग को बताया गया है कि ठंडी के टाइम में हम लोग गर्म चीज़ क्यों खाते हैं और गर्मी के टाइम में हम लोग गर्मी के समय में हम लोग ठंडी चीज़ें क्यों खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में, इसको तो बता दिया हूँ, सॉरी स्टूडेंट। रवि के कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बातें करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। यानी जो भी स्थान वो लोग घूमने के लिए जाएं वहाँ का वो लोग क्या करें, चित्र बनाकर लाएं। आओ कुछ करके सीखो। मैं स्टूडेंट अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। जैसे पाला में उनको दिया है, जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे, उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन से थे, उस समय उनका पसंदीदा फल कौन सा था, गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे। प्राप्त जानकारी को दीवार या फिर बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। अब स्टूडेंट हम लोग अभ्यास में देखते हैं, मीन्स की एक्सरसाइज में देखते हैं। तो इसका देखिए स्टूडेंट, आपको अपने कॉपी पे को आंसर लिखकर और हमारे स्क्रीनशॉट करके हमारे नंबर 9801163593 पे व्हाट्सएप कर देना है। मैं चेक करके आपको रिप्लाई भेज दूंगा। जो सही रहेगा उसके लिए मैं एक हार्ट का या फिर मतलब कह सकते हैं दिल का चित्र भेज दूंगा, तो समझ जाना सही है, और गलत रहेगा तो मैं उसको शुद्ध करके फिर से सेंड कर दूंगा। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पारितंत्र क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। स्थल मंडल क्या है? जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? जीव मंडल क्या है? देखिए दूसरा में दिया है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? मरुस्थल, ताल या फिर वन? इनमें दूसरा है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? स्थल, धर्म या समुदाय? तीसरा है कि इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? पहाड़ी, समुद्र, सड़क? चौथा है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि? तीसरा है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। जैव मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पर्यावरण। देखिए स्टूडेंट, सही जोड़े मिलाने का मतलब होता है मैच करना। पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, जलीय क्षेत्र, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, हमारे आसपास का क्षेत्र, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। छठवां है, जीवों एवं उनके परिवेश के बीच संबंध। चौथा हमारा एक कारण बताइए, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है क्यों करता है? पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित क्यों होते हैं? पांचवा एक क्रियाकलाप, एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहेंगे। अपने उन इस आदर्श पर्यावरण का चित्र बनाइए। स्टूडेंट अभी तक मैंने कोई भी स्क्रीन पे स्केच नहीं डाला है, बिकॉज क्योंकि अभी मेरे पास पेन अवेलेबल नहीं है स्क्रीन वाला। मेरे पास 7 दिसंबर को अवेलेबल होगा, तब से मैं आपको ब्लैक इस स्क्रीन पे कुछ लिखते वगैरह ही समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।